आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो आपकी फसल में जान फूंक देगी, और इसे लगाने के बाद फसल में ग्रोथ तो होगी ही होगी, साथ में कल्ले भी काफी अधिक बढ़ेंगे। और किसान भाइयों, जब कल्ले बढ़ेंगे तो आपके लिए उपज भी काफी अधिक मात्रा में मिलेगी, चाहे गेहूं की फसल हो या सरसों की, जबरदस्त काम होगा और उत्पादन भी 101% बढ़ेगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं संदीप सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संदीप एग्री साइंस। तो किसान भाइयों, चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, हमारे गेहूं के खेत में आजकल रासायनिक खादों का प्रयोग काफ़ी अधिक होने लगा है, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी है और हमारी मिट्टी की सतह जो होती है वो कठोर होने लगी है, और जो हमारे खेत में मित्र कीट होते हैं वो भी ख़त्म होने लगे हैं, जिससे हमारी मिट्टी में जीवांश की मात्रा काफ़ी कम हो गई है। और हमारे किसान भाइयों को देसी खाद जैसे गोबर आदि लगाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। लेकिन आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, उससे जीवांशों की मात्रा ही नहीं बढ़ेगी बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी काफ़ी बढ़ेगी और फसल का ज़बरदस्त विकास होगा, जिससे पौधे में कल्ले आएंगे और सफ़ेद जड़ों की मात्रा अधिक बढ़ेगी और यह आपकी मिट्टी को भुरभुरा बना देगी। और किसान भाइयों, सफ़ेद जड़ों के बढ़ने से आपके पौधे का ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ होती है इसे लगाने के बाद में, और बताना चाहूँगा कि आपका उत्पादन तो 100% बढ़ना ही बढ़ना है। तो किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमिक एसिड की। यह मिट्टी के लिए एक तरीके से सोना है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड मिट्टी में 70% और पौधे की जड़ों और पत्तियों पर 30% काम करता है, जिससे हमारी खेत की मिट्टी ज़बरदस्त तो होती होती है और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती बढ़ती है, साथ ही साथ पौधे का भी ज़बरदस्त विकास होता है। किसान भाइयों, इसे आप मृदा सुधारक भी बोल सकते हैं। यह ह्यूमिक एसिड मिट्टी में जल धारण की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे हमारे पौधे के लिए पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती है, और बताना चाहूँगा ये पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया को तेज कर देता है, जिससे पौधों पर एकदम कलर आता है और ज़बरदस्त उसका वृद्धि और विकास होता है। तो फसल हो किसान भाइयों या सब्जी, इसे ज़रूर लगाएं। बात करें अगर इसे लगाने की मात्रा के बारे में, तो ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बताना चाहूँगा, अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको इसकी स्प्रे में मात्रा लेनी होगी 250 ग्राम। 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड आप 10 लीटर पानी में घोल लें और 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ स्प्रे करें, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप खाद के साथ बोना चाहते हैं तो 1 किलो ह्यूमिक एसिड की मात्रा प्रति एकड़ के लिए सफिशियंट है। आपको 1 किलो ह्यूमिक एसिड 98%, ये आपको 20 से 25 किलोग्राम यूरिया के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसे खेत में बो देना है। यह मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से है। अगर आप इसकी मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से जानना चाहते हैं तो 2 से 3 ग्राम ह्यूमिक एसिड प्रति लीटर पानी के लिए पर्याप्त है। आप इसे किसी भी सब्जी अथवा किसी भी फसल में जिसमें भी लगाएंगे, ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। इसको लगाने से पहले कुछ ध्यान देने वाली बातें ये है कि आपकी फसल या सब्जी 30 से 35 दिन की होनी चाहिए और पर्याप्त नमी होनी चाहिए, जिससे इसका रिजल्ट आपको 100% मिल सके। और ह्यूमिक एसिड को लगाने का सही समय आप दोपहर में ही लगाएं, जो पत्तियों की ओस छूट जाए उसके बाद ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में पत्तियों में पड़ गया तो पत्ती सूख सकती है, जल सकती है, इसलिए इसे दोपहर में ही लगाएं। और बताना चाहूँगा, ये पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया को तेज कर देता है, जिससे पौधों पर एकदम कलर आता है और ज़बरदस्त उसका वृद्धि और विकास होता है। तो किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड से रिलेटेड आपका अगर कोई सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।